एच, ठीक है, ये अपनी हो गई मिक्सचर मशीन। माल इसमें मिक्स करते हैं, इसमें डाली है मैंने 50 किलो मक्का, अब इसमें डाल रहा हूँ मैं पानी। ये हो गया अपना पानी, ठीक है, एक लीटर पानी डाला हूँ 50 किलो मक्का में, कम से कम ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट होगा। माल मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है, अब यहाँ से अपना कुरकुरा स्टार्ट हो गया निकलना, ठीक है, देख लीजिए आपके सामने है। ये प्रोडक्शन तुरंत घंटे का कम से कम मान कर चलो 200 किलो के आसपास, 200 किलो तुरंत घंटे का आता है एवरेज 200 किलो। ये अब जा रहा है रोस्ट होने के लिए माल। अच्छा जी, ठीक है, बिल्कुल, ये माल अब रोस्ट होगा। ये देखो अपना माल रोस्ट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये अपना चालू हो गया, रोस्ट हो रहा है। ओ जी, ये अपना माल रोस्ट होके आ गया है, ठीक है जी, देखो बिल्कुल करंची पर माल में है, देखो आप क्या बात, बिल्कुल करंची पर माल आ गया है, ठीक है जी। अब इसके बाद इसमें मसाला लगेगा, मसाला लगने के बाद में माल पूरा तैयार है तुम्हारा। प्रकार से 2.5 इंच करके 12 से 15 और प्रोडक्ट बना सकते हैं। किया था वो जो हमने इस एक्सट्रूडर मशीन में ऊपर से डल करके, देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरा रिंग बन रहा है, कई प्रोडक्ट आप इसे बना सकते हैं। और प्रोडक्शन की बात करूँ तो 1 घंटा की प्रोडक्शन 200 kg कम से कम ये मशीन कर देती है। ये देखिए कितना शानदार, कितनी सी क्वालिटी का रिंग बन गया यहाँ पर, नमी निकालने के लिए ये हमने इस रोस्टर में देखिए पूरा हमने इसमें माल डाल दिया है। देखिए ये हो गया अपना रोस्ट माल। अच्छा, ये हो चुका है यहाँ पर, देखिए क्रंची बना दिया, क्या बात है, देखिए दोस्तों, देखिए आप, मतलब पूरी नमी निकल चुकी है इसके अंदर से, बिल्कुल करंची बना चुका है जी। रोस्ट होने के बाद देखिए उसमें इस तरीके से ये पूरा आपका इस टब में निकल जाता है माल, आपको देखो अभी, ठीक है, जो अभी माल रोस्ट किया था रिंग, अब उसका मसाला लगाने के लिए जा रहा हूँ, अभी ऑयल लगा रहा हूँ उसका, ठीक है, ऑयलिंग हो रही है, हाँ अभी ऑयल लगा रहा हूँ, ऑयल लगाने के बाद में मसाला लगाते हैं। अब मैं मसाला लगाने जा रहा हूँ, मैं एक बार में हो जाएगा करीबन मान के चलो 15 किलो माल। देखिए हमारा मसाला लग के रेडी हो चुका है। अच्छा जी, देखिए क्या बात है, टेस्टी, बहुत टेस्टी है। इसके पाउच पैकिंग हो जाएगी, पाउच पैकिंग होने के बाद मार्केट में माल जाने के लिए रेडी है। काफी टेस्टी बन चुका है दोस्तों, देख सकते हैं मसाला बन करके, ये देखिए तैयार हो रहा है, मशीन में डलने जा रहा है, ठीक है, ठीक है जी। अब ये मशीन चालू करने जा रहा हूँ, सूट से आके ये यहाँ पे सीलर लगा हुआ है इसका, ठीक है, पूरा माल है सील करके पैकिंग कर रहा है। लरी चाहो तो आप 10 की कर सकते हो, 5 की कर सकते हो, 2 की कर सकते हो, 1 पीस की कर सकते हो, जितनी की चाहोगे उतनी की कर सकते हो, यहाँ से सेटअप कर सकते हो आप। अच्छा, 1 घंटे में कितनी लड़ी सेट करती है? 1 घंटे में जो निकाल देगी आपकी 2000 पाउच घंटे की कहा। तो ये देखिए इस तरीके से, देखिए आप लोगों का पाउच देखिए पूरा बन गया है यहाँ पर, मतलब ये 5 रुपए वाला पैकेट है। हाँ जी, अगर कोई बड़ा भी बनाना चाहे तो बड़ा ही बन जाएगा, बड़ा भी 10 रुपए वाला भी बन जाएगा, 20 रुपए का भी पाउच बन जाएगा, ठीक है जी। इसमें आप चिप्स पैक कर सकते हो, अपना मसाले वगैरह है वो पैक कर सकते हो, कुरकुरे हो गए, नमकीन हो गई, सारे आइटम पैक कर सकते हो इसमें, मैक्रोनी पास्ता कटोरी सारी चीज़ें पैक कर सकते हो। कंप्रेसर हो गया, ये हवा बनाता है, हवा बनाने के बाद इसमें हवा फिल्टर होती है, फिल्टर होने के बाद में पाउच में जाती है। दोस्तों देखते हैं इस तरीके, देखिए यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन देखिए यहाँ पे पूरा कर रखा है सर। ये प्रोडक्शन कितनी देर में हुआ है? सर अभी 15 मिनट हुआ है चलाते हुए, सिर्फ 15 मिनट 15 मिनट हुआ है। क्या बात, 15 मिनट हुआ है चलाते हुए। इतने ढेर सारे पाउच यहाँ पे बन गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं इस तरीके से, ये हमारा माल पैकिंग हो चुका है। अच्छा, माल रेडी है मार्केट में जाने के लिए, बिल्कुल तैयार है। क्या बात है, पैकेट आपका बनके तैयार होता है 2 से 2.5 रुपए के बीच में। अच्छा जी, जो मार्केट में 3.5 रुपए का आराम से सेल हो जाते हैं। ओके, अगर आप होलसेलर को सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो यानी कि 1 पैकेट पे 1 रुपए का मार्जिन होता है। 1 रुपए का मार्जिन, अगर आप रिटेल में इसको सप्लाई करते हैं तो 4 रुपए का 1 पैकेट जाता है, जिसमें आपको 1.5 रुपए का प्रॉफिट होता है। मतलब 1 पैकेट में आप मोटा मोटा 1.5 रुपए 1 रुपया कमा सकते हैं इसके अंदर। हाँ, एक दिन में यानी कि 10,000 पैकेट बना के जी 10,000 से 15,000 का प्रॉफिट रोज का कर सकते हैं। बात है, मतलब काफी हाई प्रॉफिटेबल। देखिए दोस्तों आप लोग का बिजनेस